मौलवी साहब पता है क्या बोलते हैं उसको, गुड़ मत चुरा, गुड़ मत चुरा, चुरा ही लिया है तो इतना चुरा, इतना चुरा, आधा तेरा आधा मेरा। आप किसको वोट दें? नहीं देंगे, शर्मा गए। असल में पता क्या है, अब एमक्यूम क्या है, एमक्यूम आप और मैं हूँ। इमरान खान ने 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान भी किया, लेकिन मेरा 11 में मुझे याद नहीं पड़ता कि उसने 11 रुपए भी दिए होंगे यहाँ पे। भाई मेरे, जब आप अपना मेयर नहीं बना सकते, अपना हक नहीं ले सकते, कराची के लोगों को हक क्या दोगे? जब से हमने होश संभाला है तो यहाँ पर एमक्यूम, पहले वो महाजिर कौमी मूवमेंट थी, फिर वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी, तो इसने यहाँ के जो जितने भी लोगों को शऊर दिया और यहाँ पर जो आकर जिसने बहुत लोगों के दिलों में अपना घर पैदा किया, वो एमक्यूएम के हाथ में रहे हैं मामला, और इंशाल्लाह ताला पिछले दौर में भी रहे और अब भी आगे भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि एमक्यूएम के हाथ में रहेंगे। क्योंकि असल में पता क्या है, अब एमक्यूएम क्या है, एमक्यूएम आप और मैं हूँ, ये गरीब और मिडिल लोअर मिडिल क्लास लोगों को नीचे से ऊपर लेके आई है। एक गन्ने की मशीन लगाने वाले को टिकट दे के उसने असेंबली में भेज दिया, एक दर्जी को उसने जो पढ़े लिखे को, जाहिल नहीं, कोई जाहिल नहीं है, एमक्यूएम के अंदर कोई जाली डिग्री वाला नहीं है। जब मुशर्रफ के टाइम पे जितने लोगों के खिलाफ केसेस बने जिन्होंने जाली डिग्रियां ली थी, जो असेंबली में पहुंचे और वो नायल भी हुए, उनके केसेस अभी भी चल रहे हैं आज तक नायल ही के, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम का कोई बंदा नहीं था, सारे पढ़े लिखे, क्योंकि वो असेंबली थी जिन्होंने क्या कहते हैं बीए किया हुआ था, बीए वाली असेंबली बनाई थी उन्होंने कि इससे जो ना नीचे तालीम वाला जो ना मेंबर नहीं बन सकता, तो एमक्यूएम के पास तो पढ़े लिखों की एक फौज है, जफरे मौज है, तो उस मेयर पे भी पूरी उतरी। तो जो बात कहीं से कहीं निकल गई, बात हो रही थी लोगों के दिलों में घर करने की, तो एमक्यूएम का जो मेन मकसद है ना, आपको मुझे एक नीचे से मिडिल क्लास के लोगों को बाख्तियार बनाना है, उसको इकतदार में शराकत दारी का एहसास दिलाना कि आप भी असम्बली में जा सकते हो, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं जाओगे असम्बली में, आपकी गली के जो गटर का मसला है, सेवरेज का मसला है, पानी का मसला है, नौकरियों का मसला है, वो आपको पता है क्योंकि आप इसको सुबह से लेकर शाम तक फेस करते हो। आपके इलाके का MPA, MNA और असम्बली में बैठने वाला शख्स वही होना चाहिए जो आपके इलाके में रहता है, जो आपकी क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, गरीब हो मिडिल क्लास का लोग हो। आप अगर अपनी क़यादत किसी वडेरे जागीरदार के हाथ में, किसी पैसेदार के हाथ में, किसी सरमायादार के हाथ में दोगे, तो सरमायादार को तो मसाइल का पता ही नहीं है मेरे भाई, वो हल क्या करेगा, क्योंकि वो मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुआ है, उसके हर जगह AC लगा हुआ, उसकी गाड़ियों से लेके उसके घर से लेके ऑफिस तक और ऑफिस से लेके उसके वाशरूम तक जो ना इतनी सहूलियात हैं कि वो उसको तो पता ही नहीं है ना। जो आपकी क्लास में आपके इलाके में रहता है उसी को पता है कि उसने सारा दिन फेस करने हैं मसाइल को, तो जो मसाइल को फेस करता है उसी को मसाइल के बारे में पता होता है, जो मसाइल से गुजरता है, उन्होंने तो मसाइल देखे ही नहीं, तो भाई वो आप कैसे हल करेंगे। हाँ, पाकिस्तान का अलमिया यही है कि पाकिस्तान में गरीबों के लीडर महलों में रहते हैं। चले, अब MQM के हवाले से मैं एक सवाल और पूछूंगा कि आप जैसे देख रहे हैं कि इस वक्त MQM इतनी पॉपुलर नहीं रही, क्योंकि उसके धड़े भी बन चुके हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं MQM पे, आपको लगता है MQM इस बार सीटें निकाल पाएगी? उम्मीद बहुत है, क्यों पता क्या, चॉइस नहीं है हमारे पास। लोगों को ये बात समझ में आ गई, लोगों ने ये पिछला 5 साल का टाइम गुजारा, इमरान खान पे भी ट्रस्ट किया, 4.5 साल उसके साथ हुकूमत में रहे कि यार हमारे साथ हो सकता है कि ये इमरान मुखलिस हो, ये हमारा कोई काम कर दे, कराची के लिए कुछ कर जाए। इमरान खान ने 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान भी किया, लेकिन मेरा 11 में मुझे याद नहीं पड़ता कि उसने 11 रुपए भी दिए होंगे यहाँ पे, तो उसके साथ खुलूस दिल से साथ चले ना। उसके बाद पीपल्स पार्टी का हाल आपको पता है, उसने क्या किया है, उसने अपने गांव देहात लाड़काना दादू सेवन तो तबाह किए किए, उसने हमारा सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क कराची का किया। 15 सालों में 40 हज़ार अरब रुपए की उसने करप्शन की 15 सालों के अंदर। हमारी नौकरियां वो खा गए, हमारा पानी वो खा गए, हमारी बिजली वो खा गए, हमारे तमाम जो तरक्याती बजट था वो खा गए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी बर्बाद कर दिया। पीपल्स पार्टी ना मुखलिस है, कोई भी पार्टी मुखलिस नहीं है। हम और आप अगर अपने आप से खुद मुखलिस हैं ना, तो हमें MQM के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। हमसे सारी चॉइस इसलिए छीन ली, अपने अमल से छीन ली आपने, आपने काम नहीं करके दिया। अगर आप काम करके देते तो MQM रिप्लेस हो जाती, MQM की जगह कुछ और आ जाता, लेकिन बुनियादी इशू लोगों के हल नहीं हुए। जो इशू MQM लेके चली थी, इशू वहीं के वहीं है, MQM के दौर में हल हुए,
मुस्तफ़ा कमाल नाजिम आए, उससे पहले फारूक सत्तार आए, उससे पहले हमारा पास गोल्डन टाइम आया, हमने काम करा दुनिया के जो ना तरक्की याफ्ता शहरों की फहरिस्त में कराची का नंबर आया, दूसरा तीसरा आपको पता होगा। ठीक है, वो टाइम था जब हमने काम किया, जब हमें इख्तियार मिला तो हमने काम भी किया। तो लोगों को ये नज़र आ रहा है कि जब इनको इख्तियार मिलता है तो ये काम करते हैं, जब इनके हाथ पांव बांधे हो जाते तो ये मजबूर हैं। धड़ेबंदी बेशक हुई है, लेकिन धड़ेबंदी कहाँ नहीं है, किस पार्टी में नहीं आप बताएं, हर पार्टी में। लेकिन लोगों को यहाँ के मेजर इशूज़ का पता है, लोग बाशऊर हैं। जमात को भी देखा, पिछली दफ़ा बायकाट पर थे बलदियाती इलेक्शन में, हम लोग बायकाट पर थे, उसके बाद जमात ने यहाँ पर जैसे भी, किसी ने 200 वोट लिए, किसी ने 150 लिए, किसी ने 50 लिए, जीत गए इलेक्शन कमीशन के हिसाब से कि भाई ये जीत तो जीत है। हालांकि वो 4% जो ना टर्नओवर था, मेरे हिसाब से जीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में सब चलता है, पाकिस्तान में हो जाता है, यहाँ पे जीत हो गई। चलो भाई, आपकी सीटें ज़्यादा थी, पीपल्स पार्टी की कम थी, आपकी और पीटीआई की मिला के ज़्यादा थी। उसूलन तो होना ये चाहिए था कि आप आवाम से मुखलिस थे, आप लड़ जाते, जो भी करते रिज़ाइन कर जाते, लेकिन आप अपना मेयर लेके आते, आप अपना हक नहीं ले सके। आप जीते हुए थे ना, जीतने वाले का हक होता है ना हुकूमत बनाने का। अब जब आप अपना हक नहीं ले सके, अपना हुकूमत नहीं बना सके, आप उसके मोहताज हो, और आज वो रोना रोते का हमारे पे अख्तियार नहीं, वही रोना जो वसीम अख्तर को कहते थे ये लोग कि वसीम अख्तर रोना रो रहे हैं, वही रोना अब जो जमात वाले रो रहे हैं। तो भाई यही बात तो हम आपसे कह रहे थे, इख्तियार ले लो, उसके बाद इलेक्शन में आ जाओ, उससे पहले जो ना आप इलेक्शन से आउट हो जाओ। अगर जमात इस्लामी इलेक्शन से आउट होती तो ये इलेक्शन कभी भी नहीं होता, उसकी ख्वाहिश पर हुआ, उसने बोला एम के मुर्दा घोड़ा हो गई, अब हम जीत जाएंगे, लेकिन जीत के भी क्या कर लिया, आप अपना मेयर लेके आ जाते। पीपल्स पार्टी ने बदमाशी से अपना मेयर लेके आया, हॉर्स ट्रेडिंग करी, पैसे फेंके, जो मर्जी किया, लेकिन वो आपको आपको हक नहीं दिया। तो आप भाई मेरे, जब आप अपना मेयर नहीं बना सकते, अपना हक नहीं ले सकते, कराची के लोगों को हक क्या दोगे, सोचने की बात है, समझने की बात है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके मौके का, आपका मौके सामने आ गया। तो इस बार आपको लगता है एमकेएम जीतेगी, काम करेगी? एमकेएम जीतेगी, और इंशाल्लाह ताला आगे अच्छी उम्मीद है, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी, और सिर्फ लियाकताबाद से नहीं जीतेगी, कराची में जो भी रिवायती सीटें पिछली रही हैं एमकेएम की, वो तमाम सीटों पे जीतेगी, एमएनए भी और एमपीए भी, और हैदराबाद, नवाबशाह, और अल्लाह बड़ा का मीरपुर खास, टंडोवाला यार, सक्कर, जहाँ जहाँ भी हमारी रिवायती सीटें, सब सारी जगह पे जीतेंगे। और इंशाल्लाह ताला अगला मेयर भी, इंशाल्लाह अगला वज़ीर आला भी एमक्यूएम की मुशावरत से आएगा, या एमक्यूएम का ही आएगा, और एमक्यूएम जिस इत्तेहाद के साथ होगी उसी का वज़ीर आला आएगा। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।